Hello friends, greeting of the day. I hope you all are well, right? So today we are going to discuss on the Bayes theorem. Yes, module number 27. Bayes theorem is based on the concept that probability should be revised when some new information is available. The idea of revising the probabilities is used by all of us in daily life. Even though we may not be knowing anything about probability. Yes, Bayes theorem named हुआ था after the 18th century British mathematician Thomas Bayes ने दिया था mathematical formula for determining the conditional probability. Bayes theorem provides a way to revise existing predictions or theories, update probabilities देता है, given new और additional evidence हमें बताता है. Bayes theorem का जो formula है वो हमें describe करेगा कि how to update the probabilities of hypothesis. Now hypothesis का मतलब होता है assumptions करना. When कोई भी हमें given evidence हो उसके ऊपर. It follows simply from the axioms of conditional probabilities पे based and can be used to powerfully रीजन देने के लिए अबाउट अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हम कैसे करते हैं हमारे बिलीफ्स में. सो हियर वी स्टार्ट विद द सम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस थ्योरम. सो बेस थ्योरम मॉड्यूल नंबर 27 है. इसका ये जो फॉर्मूला का कंसेप्ट है ये हम समझेंगे थोड़ी देर बाद. पहले एक सम करते हैं और उस सम के बेस पे समझते हैं कि ये बेस थ्योरम कैसे सॉल्व होगा और वो क्या बोलना चाहता है. सो मॉड्यूल नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, चल रीड करते हैं क्वेश्चंस को. सो सर्टन आइटम इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन टू मशीन्स A1 एंड A2 इन अ फैक्ट्री. द मशीन्स A1 and A2 produced respectively 60% and 40% of the total output of this item. It is known that 2% and 1% of the items produced by the machine A1 and A2 are defective. From a day's production by the two machines, one item is chosen at random and it is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine A1? Right? So according to the question, what you have been given over here is certain item aap manufacture karte hai, do machines hai aapke paas, A1 and A2. Jo machines A1 and A2 hai, unhone produce kiya hai respectively 60% and 40% production of the total output of this item. Now, if it is known that 2% and 1% of items produced by machine A1 and A2 are defective, तो जब मशीन A1 and A2 manufacture करेंगे, तभी तो जाके क्या होगा? Defective आएगा. Defective बिना manufacturing के तो आ नहीं सकता. Am I right? Okay. तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई जो probability of A1 है manufacture करने का that is 60%. So can I say 0.60 divided by 100. Probability of A2 machine hai 0.40. Matlab aapne to apna 100% production kiya. Now machine A1 and A2 mein defective aate hain. Aur wo defective kitne aate hain? 2% and 1% aate hain. Okay. तो यहां पे तो आपका डिफेक्ट कब होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कब होगा, जब आपने ए को प्रोड्यूस किया होगा. मतलब डिफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके ए मैन्युफैक्चर पे.
और ये बोला गया था 2%, मतलब कि 0.02। उसी तरीके से डिफेक्ट था बी में, तो अगर बी मैन्युफैक्चर होगा तभी डी डिफेक्टिव हो सकता है, और ये था 1%, दैट इज 0.01। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A1। सो मतलब टोटल कितना आपने पूरे दिन में प्रोडक्शन किया है विद डिफेक्टिव, उसमें ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें ये फाइंड करना है। तो एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज दैट हमने A1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट ए को मल्टीप्लाई करना होगा। सो दैट मीन्स 0.60 मल्टीप्लाई 0.02 करेंगे, राइट right? चल इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यस आपने मल्टीप्लाई किया होगा ना, बताइए मेरे को क्या है मल्टीप्लाई करके। यस 0.6 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0.012। उसी तरीके से आप करेंगे A2 के साथ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन दैट B, सो 0.40 मल्टीप्लाई 0.1, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.01, सो दैट विल गिव यू 0.004 देगा। अब आप क्या करोगे, इसका टोटल करेंगे, तो टोटल विल बी 0.016 आएगा। तो ये था आपका टोटल। नाउ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A1। तो मशीन A1 में कितना था डिफेक्टिव, तो दैट इज दिस मच। इसीलिए हम लोग इसके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.012 divided by 0.016, that is defective, so that comes to 12/16, and 12/16 will go to 3/4. So machine A ने जो produce किया था उसके अंदर था हमारा 3/4 probability। yes, the question को मैं फिर से repeat करता हूँ। क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम अ डेज प्रोडक्शन, क्या था, फ्रॉम अ डेज प्रोडक्शन बाय टू मशीन्स वन आइटम इज चूजन। आपने एक आइटम को चूज किया एंड इट इज फाउंड टू बी, वो डिफेक्टिव होना चाहिए। तो वो जो डिफेक्टिव होगा वो कहां से होगा, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A1। तो हमारा आंसर आया था 3/4। नाउ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है, एन इकोनॉमिस्ट बिलीव्स दैट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियन रुपी एप्रिसिएट्स विद प्रोबेबिलिटी 0.7। इन पीरियड्स ऑफ मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट the rupee appreciates with probability 0.4, and during the period of low economic growth rate the rupee appreciates with probability 0.2। okay, matlab ki there are three types of economic growth, high, moderate and low. During any period of time the probability of economic growth is 0.3 hai, probability of moderate growth is 0.5 hai, and probability of low economic growth is 0.2. Suppose it is observed that rupee appreciate hota hai, what is the probability that there is high economic growth rate, matlab aapko probability kiski chahiye, high economic growth rate ki chahiye. So over here we write down high economic growth
फिर है हमारा मॉडरेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड देन वी हैव द लो इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। चल अब इनके प्रोबेबिलिटीज के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया था हाई, तो ये हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडरेट ग्रोथ रेट इज 0.5, सो मॉडरेट की थी 0.5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लो इकोनॉमिक थी 0.2। ओके, अब इन्हें एप्रिसिएट मिलता है, तो एप्रिसिएट का मैं ले लेता हूं ए। जब आपका हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, सो दैट वाज 0.7, पहली लाइन में लिखा था, एन इकोनॉमिस्ट बिलीव्स दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडियन रूपी एप्रिसिएट्स विद प्रोबेबिलिटी 0.7। फिर लिखा था द पीरियड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट द रूपी एप्रिसिएट्स विद द प्रोबेबिलिटी 0.4। सो ओवर हियर एप्रिसिएट्स विद मॉडरेट वाज 0.4 एंड एप्रिसिएट्स व्हेन लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज 0.2। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तीनों में से, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच विल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम विल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एम, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एल विल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एम। सो इनका मतलब है 0.3 मल्टीप्लाई 0.7 करना है, तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.7 विल गिव यू 0.21, 0.5 मल्टीप्लाई 0.4 विल गिव यू 0.20, 0.4 मल्टीप्लाई 0.2 सॉरी 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 सो दैट विल गिव यू 0.04। सो व्हाट इज द टोटल, 4 एंड 1 5, 4 तो 0.45 आ गया। हमारा क्वेश्चन था कि वो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में से होना चाहिए, राइट। तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में से होना चाहिए, तो वो है 0.21 आउट ऑफ 0.45। सो ओवर ईयर इनकी प्रायोरिटी हो जाएगी 0.21 डिवाइडेड बाय 0.45, तो दैट इज 21/45। नाउ 21/45 को हम डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 45, सो दैट विल गिव मी द आंसर 0.467। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऑप्शंस में पॉइंट मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर कौन सा जाएगा। यस, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, जीरो सॉरी ऑप्शन डी, 0.467। ओके, तो कहने का मतलब अब क्या है, यहां पे जब हम ये फॉर्मूला देखते हैं तो इन्होंने फॉर्मूला दिया है दिस पर, ना दैट इज व्हाट ए आई गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई ए। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, आपने ये जो लिखा ना फॉर्मूला, राइट, दिस वन 0.012 डिवाइडेड बाय 0.16। अब ये फॉर्मूला कब कैसे बनाया गया, दैट इज आप अगर देखोगे तो आपने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन
मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट ए हो गया आपका, दैट वाज योर 0.012। नाउ दैट वाज होल डिवाइडेड बाय, अब ये समेशन था क्योंकि 0.016 क्या टोटल है, यस, तो इसीलिए ये क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डिफेक्टिव ऑफ ए आई, क्योंकि ए आई का मतलब क्या है ए वन ए टू, मतलब यहाँ पे वन एंड टू दोनों है, तो ये टोटल है आपका, तो इसीलिए ये जो पार्ट है ये आपका कौन सा पार्ट है, चलो मैं बताता हूँ, some problem is arrived, no problem, that will be solved immediately. होता है कभी कभी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो ये है आपका सिग्मा ए आई डी ए आई वाला पार्ट 0.0, एंड जो ये पार्ट ऊपर लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज दिस पार्ट 0.1, इसीलिए आपने इसको डिवाइड किया एंड यू गॉट द आंसर 12/16 3/1, क्लियर हो गया। नाउ ओवर हियर इफ वी सी तो आपको क्या बोला गया था ओवर हियर, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन दैट बी, ओके, इसीलिए यहां पे अभी हम क्या लिखते हैं, आपको ए वन बोला था टोटल डिफेक्टिव में से, ओके, तो ये था हमारा बेस थ्योरम का पार्ट। चलो नाउ वी गो विद द नेक्स्ट पार्ट मॉड्यूल नंबर 28। सो मॉड्यूल नंबर 28 में क्या बोला गया है कि सम्स बेस्ड ऑन बेस थ्योरम एंड अन कंटेन्स 3 white and 5 black balls, another urn contains 2 white and 7 black balls, one urn is selected, तो आपको एक urn select करना है at random and a ball is drawn from it at random, find the probability that the ball drawn is white होना चाहिए। Now see ये इसको भी हम लोग ने solve कर सकते हैं with the help of really Bayes theorem से ही इसको हम solve करेंगे तो बहुत easy हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे solve करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास दो अन है, तो यहां पे आप लिख देंगे फर्स्ट अन एंड ओवर हियर यू विल राइट डाउन सेकंड अन, तो आपके पास फर्स्ट अन में आपको क्या बोला गया था, आपके पास क्या है, यस परफेक्टली राइट, आपको बोला गया था आपके पास 3 white and 5 black balls है एंड अनदर अन कंटेन्स 2 white and 7 black balls, ओके। अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि आप एक अन को सिलेक्ट करते हो, एक अन मतलब कि मैं इसको ए ले लेता हूं इसको बी ले लेता हूं,
दिस इज माई प्रोबिलिटी ऑफ ए एंड दिस इज माई प्रोबिलिटी ऑफ बी, और मुझे एक अर्न को सिलेक्ट करना है, मतलब एक को. तो एक की प्रोबिलिटी कितनी हो जाएगी हाफ, और बी की प्रोबिलिटी कितनी हो जाएगी हाफ. अब क्वेश्चन में लिखा था कि आपको एक ही बॉल निकालना है. फाइंड द प्रोबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, वो वाइट होना चाहिए. तो मैं प्रोबेबिलिटी कब किसके फाइंड करूंगा, व्हाइट बॉल की, जब आपने ए अन को सिलेक्ट किया होगा. तो मतलब कि ए अन सिलेक्ट होगा तभी उसमें से व्हाइट आ सकता है. ओके चल, तो अब क्या होगा इसका आंसर, तो आपके पास यहाँ पे व्हाइट कितना है भाई, थ्री है. सो इट विल बी रिटर्न एज 3C1, क्योंकि आपको एक ही निकालना है. एंड टोटल कितना है भाई, 3 + 5 = 8 है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8C1, विच इज वॉट 3/8 हो गया ये. अब उसी तरीके से मैं सेकंड का निकालूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन दैट मैंने बी अन सिलेक्ट किया, तो बी अन में कितना व्हाइट है भाई, 2 है. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2C1/2 + 7 कितना होता है 9, तो 9C1, सो दैट कम्स टू 2/9. Now what we will be doing is multiplying. So probability of A multiply probability of W given that A. W का मतलब क्या था right? Same way probability of B multiply probability of W given that B. So अब आप क्या करोगे, 1/2 multiply 3/8 होगा. So that will be 3/16. 1/2 will multiply 2/9, so 2/18 हो जाएगा. अब मुझे इसका क्या करना है, टोटल करना है. सो टोटल का मतलब होगा 3/16 + 2/18 का टोटल करेंगे. सो हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे 2 को कैंसिल करके 1/9 भी लिख सकते हो, वो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है. तो व्हाट आई डिड ओवर हियर इज 16 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 18 के साथ. तो 16 × 18 विल गिव मी 288. नाउ 18 × 3 हो जाएगा. सो 18 × 3 इज 54 प्लस 16 × 2 कितना हो जाएगा 32. 54 + 32 करोगे तो 86/288 आएगा. नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, मतलब कि वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. और ये जो आपने निकाला पूरी वाइट की प्रॉपर्टी है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 43/144. अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपको फर्स्ट आंसर सिलेक्ट करना है या सेकेंड आंसर सिलेक्ट करना है. इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है कि व्हाइट की प्रोबेबिलिटी अब ओवरऑल क्या होगी, तो आपने ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड करी. ओके, तो इसे हम बोलेंगे अब कौन सा ऑप्शन गया. चलिए देखते हैं, सो 43/144 आया था हमारा, सो दैट गोज टू ऑप्शन ए, 43/144. तो ये हमने बेस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर दिया. चलिए नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, देयर आर टू सप्लायर्स ए एंड बी हु सप्लाई 55% एंड 45% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्टेन कंपोनेंट. पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स सप्लाइड बाय देम वाज 0.01 एंड 0.02. वन कंपोनेंट इज टेकन एट रैंडम, आपने एक कंपोनेंट लिया है एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सप्लाइड बाय ए एंड सेकंड इज बाय बी. सो ओवर हियर वी हैव बीन गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is 0.55% and probability of B 45%, that is 0.45. फिर क्वेश्चन में ये लिखा था कि उनका डिफेक्टिव, so that means probability of defective given that A
is 0.01. Probability of defective given that B is 0.02. अब प्रश्न में बोला है कि वन कंपोनेंट इज टेकन एट रैंडम एंड इट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव था, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, so that means probability of A will multiply probability of defective given that A के साथ, तो 0.55, ये 5 था, multiply 0.1, तो that will give me 0.0055. probability of B will multiply probability of defective given that B 0.45 multiply 0.02. So that will give you 0.009. अब आप इनको ऐड कर देंगे, तो जब आप इनको ऐड किया, so that will give you 0.0145. तो ये था टोटल. अब कंडीशन क्या बोला गया था, सप्लाइड बाय ए, अगर ए डिफेक्टिव हुआ तो क्या होगा. तो चलिए ए में हमारा कितना पार्ट दे रखा है हमें, सो वी से दैट 0.0055 डिवाइडेड बाय 0.0145, ये मैं प्रोबेबिलिटी ए का निकाल रहा हूँ क्योंकि ए डिफेक्टिव था, दैट विल बी 55/145. Now 55/145 को 5 की टेबल से जाने देंगे, तो इट विल बी 11/29. और दूसरे पार्ट में बोला गया था बी पार्ट, अगर बी डिफेक्टिव होगा तो क्या होगा. सो बी का था 0.009 डिवाइडेड बाय 0.0145, सो दैट इज 9/145. सो अभी ये 0.009 है और ये 0.0145 है, तो मतलब एक और जीरो लगाएगा पीछे. अभी 90/145 है, तो ये जाएगा हमारा 145 को मैं अगर करता हूँ तो ये जाएगा 5 की टेबल से, तो 90/5 विल गिव मी 18. सो 18/29. अब हम ऑप्शन में ये चेक करेंगे कि ए है 11/29 एंड ऑप्शन बी है 18/29. तो ये सम हमने सॉल्व किससे किया, विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम से सॉल्व किया. सो व्हाट वी ऑब्जर्व ओवर हियर इज ऑप्शन ए 18/29, 11/29 नहीं, हमें सबसे पहले देखना है ए क्या था, तो ए का आंसर था 11/29, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके चलिए, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देयर आर टू वंस जो कंटेन करता है, अन वन कंटेन करेगा 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, अन टू कंटेन करेगा 2 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, एंड अन इज चूजन एट रैंडम एंड वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज फाउंड टू बी वन. What is the probability that it came from an two में से वो आया? Yes. So इस sum को भी हम solve करेंगे with the help of Bayes theorem, क्योंकि वो एकदम easy हो जाता है solve करना. तो क्या था हमारे फर्स्ट टर्न में, तो ये हो गया फर्स्ट टर्न,
एंड सेकेंड में। चलो तो नाउ वी से दैट फर्स्ट वन में था हमारे पास फोर राइट, एंड टू ब्लैक बॉल्स, और यहां पे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड में था टू वाइट एंड फाइव ब्लैक बॉल्स। कंडीशन है एन अर्न इज चोजन एट रैंडम, तो एक अर्न सिलेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ एंड दूसरे की भी हाफ। ऐसा क्यों बोला हाफ, क्योंकि आपके पास दो ही है, अगर तीन होते हैं तो वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री हो जाए। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इट इज फाउंड टू बी वाइट, वो वाइट होना चाहिए, तो ये वाइट होगा जब आपने फर्स्ट अर्न सिलेक्ट किया होगा, प्रोबेबिलिटी वाइट होगी जब आपने बी अर्न को सिलेक्ट किया होगा। अच्छा अब उसमें से भी क्या बोला गया, वन बॉल आपको सिलेक्ट करना है, तो नाउ व्हाइट जो है फोर है, तो दैट आई विल से फोर सी वन अपॉन सिक्स सी वन, सो ये हो जाएगा फोर अपॉन सिक्स, इन दिस इट विल बी टू सी वन अपॉन सेवन सी वन, दिस विल बी टू अपॉन सेवन। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन दैट ए, सो वन बाई टू मल्टीप्लाई फोर बाई सिक्स, तो आई विल गेट फोर अपॉन ट्वेल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन दैट बी, वन बाई टू इज इक्वल टू टू अपॉन सेवन, सो दैट विल बी टू अपॉन फोर्टीन। अब आप इनको क्या करोगे, ऐड करोगे राइट। चलिए तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो नाउ दिस विल बी 4 अपॉन 12 प्लस 2 अपॉन 14। सबसे सिंपल है विदाउट वेस्टिंग द टाइम, 12 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 14 कर दीजिए, तो यू विल गेट 168। सो नाउ 14 विल मल्टीप्लाई 4 इज 56 एंड 12 विल मल्टीप्लाई 2 तो दैट विल गिव यू 24। सो 56 प्लस 24 करेंगे तो यू विल गेट 80 अपॉन 168। ओके फर्दर आप रिड्यूस करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी इसको फिलहाल यहीं रखता हूँ। क्वेश्चन में बोला था इट केम फ्रॉम अर्न टू में से आना चाहिए, तो मेरा भी अर्न टू कितना है यहाँ पे वो ध्यान, तो मेरा अर्न टू था 2 अपॉन 14। चलो सो 2 अपॉन 14 favorable outcomes divided by total number of outcomes is 80 upon 168. अब इसको हम solve कर देंगे तो 2 upon 14 multiply 168 will go up divided by 80 हो जाएगा। ये तो हम कर ही सकते हैं ना, right? Now 14 से आप 168 को cancel करेंगे तो you will get 12. Now with the help of 3 table, 4 की table, so 4 3s are 12 and this will be 20 and 2 and 20 will get cancelled, so you will get 10, so your final answer would be 3 upon 10। so आप चेक करेंगे ऑप्शंस में तो यू विल सी दैट ऑप्शन सी 3 बाई 10 इज योर करेक्ट आंसर। आगे जाए चलो, क्लियर हो गया सबको राइट। ओके नाउ मॉड्यूल नंबर 29 जो था रैंडम वेरिएबल, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, मैं आपको दे चुका हूँ इसके वीडियोस के लेक्चर्स में आपको मॉड्यूल नंबर 29, 30 जो आपके बेस्ड है ऑन रैंडम वेरिएबल। ओके सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मॉड्यूल नंबर 32 की तरफ हम चलते हैं। Now in module number 32 में मैं पहले आपको दो questions cancel करवा रहा हूँ, question number 2 and question number 3. Now these are based on concepts of permutation and combination. And right now हमारा वो permutation combination chapter नहीं हुआ है, इसीलिए इस दो questions को मैं आपको लेक्चर जब अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा तब मैं आपको वापस इस पे ले आऊंगा और ये हम दो को सॉल्व कर देंगे।
ओके और उसी हिसाब से एक और क्वेश्चन है मेरा मॉड्यूल नंबर 33 में, एंड दैट इज फर्स्ट, ये भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सम है। एक्चुअली वो इसमें डाला गया ताकि आप किस तरीके से देखते हैं करते हैं वो, राइट। चल नाउ भी मैं करता हूँ मॉड्यूल नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 1। चल पढ़िए क्या लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। इफ 10 मैन अमंग ए एंड बी स्टैंड इन अ रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 3 मैन बिटवीन ए एंड बी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ 10 मैन है अमंग ए एंड बी के बीच में स्टैंड इन अ रो, What is the probability that there will be exactly 3 men between A and B? तो 10 men among whom A and B, मतलब 10 लोग हैं, 10 लोग में से A and B हैं, जो लोग रो में खड़े हैं। रो का मतलब मेरे क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इन 10 लोगों में among whom A and B है, मतलब इनमें A and B है, और उनके बीच में exactly 3 men खड़े होंगे, तीन आदमी खड़े होंगे इनके बीच में। सो ए एंड बी के बीच में तीन लोग खड़े होंगे। सो क्वेश्चन है कि जब ए जाएगा, मतलब मुझे सबसे पहले एन फाइंड करना है, तो एन का मतलब यह है कि ए जब मैं प्लेस करूंगा तो ए को प्लेस करने के लिए हाउ मेनी प्लेसेस आई एम हैविंग। सो आई एम हैविंग 10 प्लेसेस व्हेन आई विल प्लेस ए, ए को मैं जब रखूंगा तो मेरे पास 10 लोग होंगे, मतलब 10 जगह होंगी। अब जब मैं बी को रखूंगा एंड जब मैं बी को रखने जाऊंगा तो मेरे पास 9 प्लेस होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक ए ने कवर कर लिया है। सो दैट मींस दिस इज 10 × 9, 90 हो गया। नाउ दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मान लेते हैं कि ए अगर फर्स्ट प्लेस पे आया तो बी कौन से प्लेस पे होगा? यस, सो बी विल बी एट 5 प्लेस। कि अगर आज ए को मैंने यहाँ पे रखा तो बी विल कम ओवर हियर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 3 मैन बिटवीन ए एंड बी, तो इनके बीच में तीन लोग होने चाहिए। अच्छा, अब हो सकता है उसी तरीके से आज जब मैंने ए को सेकेंड प्लेस पे रखा तो बी किधर चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। सो दैट मींस इफ ए इज एट 2, बी विल बी एट 6, इफ ए विल बी एट 3, बी विल बी एट 7, इफ ए इज एट 4 तो बी विल बी एट 8, अगर ये 5 पे होगा तो दिस विल बी एट 9, एंड अगर ए विल बी एट 6 तो बी विल बी एट 10, क्योंकि इनके बीच में तीन लोगों का गैप होगा। ये तो मैंने सिर्फ पोजीशन डिफाइंड करी थी। सो टोटल पोजीशन अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, टोटल पोजीशंस आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स इज 6 व्हेन ए एंड बी आर प्लेस। अब उसी तरीके से उल्टा हो सकता है ना, कि अब बी पहले आए और ए बाद में आए और इनके बीच में तीन लोग हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 1 बी ए 5 पे होगा, बी 2 पे होगा तो ए 6 पे होगा, बी 3 पे होगा तो ए 7 पे होगा, बी 4 पे प्लेस्ड है तो ए विल बी प्लेस्ड एट 8, बी इज प्लेस्ड एट 5 तो ए विल बी प्लेस्ड एट 9, बी विल बी प्लेस्ड एट 6 तो ए विल बी प्लेस्ड एट 10, तो मतलब इनके बीच में भी तीन तीन लोग आएंगे। सो अब ये टोटल कितने पोजीशंस हो गए, सो ये जो टोटल पोजीशन है ए बी बी ए इज टोटल 12, तो ये मेरे फेवरेबल आउटकम हो गया एन इज इक्वल टू 12। So now the answer would be probability of A is equal to 12 upon 90. Okay? And 12 upon 90 जो जाएगा, that will be 6 2s are and 6 15s are. 90 होगा. So 2 upon 15. So I can say that option D, 2 upon 15 is the right answer. So 90 divided by 6 आप चेक कर लेना, अगर आपको टेबल नहीं आती है तो इट विल गिव यू 50. सो 2 अपॉन 15 इज द आंसर।
नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये स्टैंड इन अ रोल, इसीलिए यहाँ पे परम्यूटेशन यूज हुआ. क्या यूज हुआ? परम्यूटेशन. तो जो आज मैंने n इज इक्वल टू 10 इंटू 9 लिखा, तो इसको दूसरा तरीका क्या हो सकता है लिखने का, 10 पी 2, एंड 10 पी 2 का मतलब होता है 10 इंटू 9. ओके, नाउ वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, फोर मैरिड कपल्स गैदर्ड इन अ रूम. ओके, टू पर्संस आर सिलेक्टेड एट रैंडम. टू पर्संस को आपने सिलेक्ट किया है एट रैंडम अमंग्स देम. तो भाई बात ऐसी है कि आज मेरे इन क्वेश्चन नंबर 4 में फोर कपल्स है. तो कपल्स का मतलब यानी क्या हो जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ, या बॉय गर्ल बोल सकते हैं कपल. हाँ, वो कपल नहीं बोल सकते, बॉय बॉय गर्ल गर्ल बोले यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया, फोर मैरिड कपल्स. तो हम लोग यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ को कंसिडर करते हैं. सो टोटल अगर फोर कपल्स होंगे तो मतलब एन एट हो जाएगा, मतलब एट, क्योंकि टोटल एट लोग होंगे, उसमें से दो जन को सिलेक्ट करना है, तो एट सी टू बोलेंगे. व्हाट इज नाउ एट सी टू? एट मल्टीप्लाई सेवन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन विल गिव मी 28. तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मेरा एन जो है वो 28. क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्संस आर अ जेंटलमैन एंड अ लेडी बट नॉट अ कपल. वो कपल नहीं होनी चाहिए. ओके, वो कपल नहीं चाहिए आपको. चलिए, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास राइट नाउ फोर मेल एंड फोर फीमेल्स होंगी, और वैसे देखा जाए विच इज इक्वल टू फोर कपल्स हो गए. बट हमारा इवेंट ए बोलता है क्या, चलो सिलेक्टेड पर्संस आर अ जेंटलमैन एंड अ लेडी बट नॉट अ कपल. कपल नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब ये होगा कि एम में मैं लिखूंगा 4C1 एक पर्सन, बट वो अपनी वाइफ के साथ नहीं आएगा, मतलब बाकी के थ्री फीमेल्स के साथ आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 3C1. चलो इसको थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ. मतलब कंडीशन ये रखा गया है कि आप एक डांस फ्लोर पे हैं और चार कपल हैं, और ये कंडीशन रखी गई है कि कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ के साथ डांस नहीं करेगा. सो दैट मींस सब हस्बैंड तो खुश हो जाएंगे, पहले तो मजाक कर रहा हूँ, ये सब समझना है. इसीलिए ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है फीमेल्स और ये है मेल्स. तो यहाँ पे जो मैं ये बताना चाहता हूं कि ए अपनी वाइफ बी के साथ नहीं आएगा, मतलब इट कैन बी ए डी इन डांस फ्लोर, ए एफ एंड ए एच हो सकता है, मतलब ये तीन का पैर बन सकता है डांस फ्लोर पे, क्योंकि ए अपने वाइफ बी के साथ नहीं आएगा. तो सेम वे सी के लिए भी अप्लाई होगा. तो सी क्या होगा, सी कैन बी विद बी, सी कैन बी विद एफ, एंड सी कैन बी एट एच. अब ई के लिए भी, तो E क्या हो सकता है, E can dance with B, E can dance with D, E can dance with H. तो सेम वे G के लिए भी क्या होगा, G can dance with B, G can dance with D and G can dance with F. बट वो अपने वाइफ के साथ डांस नहीं करेंगे. तो टोटल देखो यहाँ पे कितना होगा, 3 3 3 3 12 होगा. अब ये तो ठीक है फोर कपल्स होगा, ज्यादा कपल्स होते तो क्या करते हैं, तो डेफिनेटली हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते, दैट इज 4C1 मल्टीप्लाई 3C1 वाला. तो 4C1 मल्टीप्लाई 3C1 मतलब फोर मेल्स हैं और एक फीमेल नहीं है क्योंकि उसकी वाइफ है. तो दैट कम्स टू 4 × 3 12 हो गया. अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, दैट इज m अपॉन n 12 अपॉन 28. तो 4 की टेबल से जाएगा, 4 3s are 12, 4 7s are 28. So 3 upon 7.
इज द आंसर। अब हम ऑप्शन में जाके चेक करेंगे कि 3/7 किधर है, एंड दैट वुड बी द आंसर। यस, सो वी से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि इन अ पैकेट ऑफ 500 पेंस 50 आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो इन अ पेन ऑफ 500 पेंस में 50 पेन डिफेक्टिव है, सो 500 पेंस डिफेक्टिव इज 50, सो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 450। A pen is selected. That means my n will be 500 C1, which is equal to 500. Find the probability it is non-defective. So event A आपको चाहिए non-defective. तो मेरा non-defective यहाँ पे कितना है भाई, 450. So 450 C1 will be 450, ये मेरा favorable outcome. So probability of A क्या हो जाएगा, 450 divided by 500. So 9/10 because 0 0 cancel हो जाएगा, 5 की table से 5 9 0 5 10 50. So 9/10, option C is the answer. Moving towards the question number 6. Now, in question number 6 में पहले चीज तो यहां से in option number C में आप ये जो C दे रखा है care, वो care हटा देंगे, that is only R. तो ये C यहां से हट जाएगा. तो if events A and B are independent, तो क्या है? तो now try to understand one thing, हम लोगों ने properties पढ़ी थी कि अगर वो independent होगा, तो क्या होगा? So अगर independent है, so we say that A complement and B are also independent. Yes, हम ये बोलते हैं. Word दे रखा है dependent. Word दे रखा है dependent. So इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं होगा. A complement and B complement are also independent. Yes, इसको भी हम बोलेंगे. They are also independent. अब जब exam में इस type का question आ जाए, तो आपको क्या करना है? You will not attempt at all. क्योंकि अगर आपने ए मार्क किया तो ऑप्शन डी दे रखा होगा, या आपने ऑप्शन बी मार्क किया तो ऑप्शन ई दे रखा होगा. हाँ, क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ है बराबर कि बोथ ए एंड डी, अगर वो दिया हो तो मैं डेफिनेटली इसको मार्क कर देता, क्योंकि इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट है एंड बी आर इंडिपेंडेंट होते हैं, ए डैश एंड बी डैश को भी हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं. ओके, क्लियर हो गया. अब अगर मैं इसमें करेक्शन करता हूं, अब अगर मैंने इसमें करेक्शन ये किया कि मैं यहां से सपोज मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट जो है इसको कैंसिल कर देता हूं, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अभी मैं बोलता हूं ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी आर डिपेंडेंट, सो देन डेफिनेटली माय आंसर वुड बी ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट. तो आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है उसके अंदर में ये वाला सेम क्वेश्चन है, पर उसके अंदर में ऑप्शन ए में डिपेंडेंट वर्ड यूज किया है, इंडिपेंडेंट नहीं. मैंने यहाँ पे ये जानबूझ के इंडिपेंडेंट डाला है, तो मैं ये समझा सकता हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसा कंसेप्ट आए कि आंसर ए भी है आंसर डी भी है, तब हम उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसको छोड़ देना ही हमारे लिए समझदारी है, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस है. ओके, और अगर ऑप्शन ए में इंडिपेंडेंट की जगह पे डिपेंडेंट है, तब मेरा आंसर फाइनली क्या जाएगा, डी जाएगा. क्लियर हो गया. हाँ, उल्टा ये भी हो सकता है कि अगर डी में दे रखा हो डिपेंडेंट, तो ए वुड बी द आंसर हो सकता है. चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मॉड्यूल नंबर 33. सो मॉड्यूल नंबर 33 में देखो क्या लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर 2, आई एम गोइंग, तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि बॉक्स कंटेन करेगा 12 इलेक्ट्रिक लैंप्स ऑफ व्हिच 5 आर डिफेक्टिव है. अ मैन सिलेक्टेड 3 लैंप्स एट रैंडम. व्हाट इज द एक्सपेक्ट
नंबर ऑफ डिफेक्टिव लेंस बोला है। यस क्या बोला है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लेंस हमें फाइंड करना होगा इन दिस सिलेक्शन के अंदर में। सिलेक्शन वर्ड है, सिलेक्शन का मतलब यानी क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। तो ओवर हियर व्हाट वी राइट डाउन इज, आई एम हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, 12 इलेक्ट्रिक लैंप, 5 डिफेक्टिव, तो बाकी के 7 क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे। क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड बोला है, ध्यान रखो। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें यही लिखा हुआ था कि भाई मैन सिलेक्ट करता है 3 लैंप्स एट रेंडम में। ओके सो माय एन इक्वल्स टू 12C3, तो मुझे 12C3 करना होगा। तो 12C3 क्या होता है, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट विल गिव मी 220 देगा। ओके सो ओवर हियर आई राइट डाउन डिफेक्टिव लेंथ इज माय एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में वही लिखा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लेंथ्स की, तो डिफेक्टिव लेंथ्स 0 भी हो सकते हैं, दे कैन बी 1, दे कैन बी 2 एंड दे कैन बी 3 डिफेक्टिव लेंथ्स। अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो यहां पे मैं लिखता हूं अगर मेरा डिफेक्टिव लेंथ 0 है तो नॉन डिफेक्टिव मेरे को कितने लेने पड़ेंगे, 4 या 3, आई विल टेक 3, यस, क्योंकि मेरे को सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करने हैं ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 आ जाएगा। अब अगर डिफेक्टिव लैंप 1 है तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 2, डिफेक्टिव लैंप अगर 2 होंगे तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 1, और तीनों तीन डिफेक्टिव हो गए तो नॉन डिफेक्टिव विल बी 0। चलो तब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो ओवर हियर व्हाट आई विल राइट डाउन इज 5C0 मल्टीप्लाई बाई 7C3 अपॉन 12C3, तो 5C0 कितना हो जाएगा, 1, 7C3 कितना होता है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो यू विल गेट 35 अपॉन 220, सो दिस विल बी 35 अपॉन 220। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ अब है डिफेक्टिव लेंथ 1, सो दैट मींस डिफेक्टिव इज 5C1 इनटू 7C2 अपॉन 12C3, 5C1 5 होगा, 7C2 7 इनटू 6 डिवाइडेड बाय 2, 21 डिवाइडेड बाय 220, सो 105 डिवाइडेड बाय 220, तो ये हो गया आपका वन डिफेक्टिव का। अब आप निकालेंगे सेकेंड डिफेक्टिव का, तो 5C2 मल्टीप्लाई बाई 7C1 क्योंकि 1 डिफेक्टिव अपॉन n 12C3, तो 5C2 कितना होता है, 10, 7C1 7 अपॉन 220, सो दैट कम्स टू 70 अपॉन 220। नाउ 3 का, तो 5C3 इंटू एक भी नॉन डिफेक्टिव दैट इज अपॉन 12C3, सो 10 इंटू 1 अपॉन 220 बिकॉज 7C0 1 होता है, सो 10 अपॉन 220। अब आपका ये राइट है या रॉन्ग उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। तो प्रॉबिलिटी हमें पता है कि ऑलवेज क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 1 होनी चाहिए। चेक करो, 35 प्लस 105 प्लस 70 प्लस 1, ओ सॉरी 35 करेंगे प्लस 105 प्लस 70 एंड प्लस 10, मैंने 1 बोल दिया था लास्ट टाइम पे, दैट इज 10, तो 220 डिवाइडेड बाय 220 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है।
नाउ एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए मुझे एक्स इंटू पी एक्स करना पड़ेगा, तो जीरो मल्टीप्लाई 35 अपॉन 220 विल गिव मी जीरो, 1 मल्टीप्लाई 105 विल गिव मी 105 अपॉन 220, 2 मल्टीप्लाई 70 विल गिव मी 140 अपॉन 220, एंड 3 मल्टीप्लाई 10 विल गिव मी 30 अपॉन 220. आप सबको ऐड कर देंगे तो 105 प्लस 140 प्लस 30, तो दैट विल बी 275 डिवाइडेड बाय 220. तो ये आपको मिलेगा आपका एक्सपेक्टेड जो बोला था ना नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितना हो सकता है. अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 275 डिवाइडेड बाय 220 विल गिव यू 1.25. चल चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है 1.25 वो कौन से ऑप्शन में आता है. So that goes to in option A. So option A is the answer. 1.125 हो गया. Clear हो गया? चल. Now question number 3 पे चलेंगे. अब question number 3 को भी हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो question number 3 में क्या लिखा है? Player toss करता है 2 fair coins को. He wins rupees 5. If two head appears, rupees 2 if one head appears, and rupee 1 if no head appears. Find the expected amount of winning. Expected amount of winning. Okay. चलिए. तो क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया था? टू फेयर कॉइंस. सो एच 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 टी टी एच टी टी टोटल कितने हो गए? 4 हो गए. राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा था? He wins rupees 5 if two heads appear. ओके, कंडीशन है टू हेड, तो आपको रुपीज मिलेगा. ये रुपीज मेरा एक्स है, कितना? 5 रुपीज. रुपीज 2 इफ वन हेड अपीयर, वन हेड अपीयर होने के 2 रुपीज. रुपी 1 नो हेड. चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. सो टू हेड लिखा है ना, टू हेड, टू हेड का मतलब ये नहीं क्या हो गया, यहाँ पे टू हेड्स कितने हैं भाई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4. वन हेड, तो वन हेड की प्रोबेबिलिटी है एच टी टी एच, सो दैट मीन्स कैन आई से इट इज 2/4. एंड नो हेड मतलब टी टी, 1/4. सो अब आपको क्या बोला गया था फाइंड करने के लिए क्वेश्चन के अंदर में? एक्स expected amount of winning. So that means आपको x into px करना होगा, तो 5 multiply this, 5 1/4, 2 into 2, 4/4, 1 multiply 1, 1/4. So total is 10 upon 4. That comes to 2.50. तो ये है आपकी expected amount of winning. Expected का मतलब हो गया ex. तो आई होप कंसेप्ट इज क्लियर. तो यहां पे मेरा आंसर क्या जाएगा? 2.5. सो 2.5 इज माय करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4.
A problem in probability was given to three students, A, B, and C, whose chance of solving it are 1 by 3, 1 by 5, and 1 by 2, respectively. What is the probability that the problem will be solved? Aapka problem solved kiya jaye. Okay. So in question number 4, mein, probability of A is given 1 by 3. Probability of B is 1 by 5 and probability of C is given 1 by 2. Okay, problem solve kiya jaye. Ab agar A solve nahi kar paya to uski probability kya ho jayegi? 2 by 3. B problem ko solve nahi kar paya, probability ho jayegi 4 by 5. And C solve nahi kar paya to C dash will be 1 by 2. So A dash, B dash and C dash again. क्वेश्चन में लिखा है प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व. सो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम नॉट सॉल्व. जोर किस पे दिया है? नॉट पे. तो इसका मतलब है कि दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश हो जाए. सो दैट इज अगेन इंडिपेंडेंट होता है इस टाइप के सम्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश. सो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 by 3 into 4 by 5 into 1 by 2. So what will happen? 2 and 2 will get cancelled. 1 minus 4 by 15. LCM 15 loge. 15 ones are 15 minus 4, 11. So 11 upon 15 is the answer. So check karenge. So option D, 11 upon 15 is the correct answer. Okay? चलो नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. 4 हो चुका है 5 पे. पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज नोन टू इंक्लूड टू डिफेक्टिव्स. इफ अ सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पैकेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Yes, I'm repeating again question. A packet of 10 electronic components known to include two defectives. Mein do defective. If a sample of 4 components is selected, apne 4 components select kiya. What is the probability that the sample does not contain more than 1 defective se jyada nahi hona chahiye. Chal, solve karte hain question ko. अगेन कुछ प्रॉब्लम हो गया. लेट्स सी वो तो सॉल्व हो जाएगा फिर प्रॉब्लम नहीं है. चलो सो क्वेश्चन नंबर 5.
सो वी स्टार्ट विद दी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है कि पैकेट में थे 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसके अंदर में यह बताया गया था कि 2 डिफेक्टिव, तो बाकी के 8 क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे। 4 components is selected at random, so n is equal to 10c4, so 10 9 8 7 4 3 2 1, 4 2's are 8 cancel, 9 and 3 cancel, so I will get 2 1 0। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया था, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव में sample does not contain more than one defective, yes, so mera event A hai, sample does not contain more than one defective, matlab ki one defective se zyada nahi hona chahiye। इसका मतलब है कि डिफेक्टिव अगर 0 होगा तो नॉन डिफेक्टिव 4 होंगे, और अगर डिफेक्टिव 1 होगा और है तो नॉन डिफेक्टिव विल बी 3। तो यहां से मुझे m मिलेगा, तो माय डिफेक्टिव इज 2c0 मल्टीप्लाई नॉन डिफेक्टिव 8c4, और यानी प्लस 2c1 इनटू नॉन डिफेक्टिव थे 8 8c3। नाउ व्हाट इज 2c0, 1 होता है, 8c4 फाइंड करेंगे, so 8 into 7 into 6 into 5 divided by 24 हो जाएगा, so that will give you 70 plus 2c1 into 8c3, 8 into 7 into 6 divided by 6 will give you 56, so this is 70 plus 112 will give you 182 total। अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी नाउ 182 अपॉन 210 होगा। अब आप क्या कर सकते हो, 182 डिवाइडेड बाय 210 कर दो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सो 0.866 मिलेगा। हम ऑप्शंस में चेक करेंगे कि 0.866 हमें कहाँ मिलता है। ओके चलिए, so over here we will check down, तो अगर हमने चेक किया तो 1 divided by 3 करो, so अगर आपने 1 divided by 3 किया तो आपको मिलेगा 0.33, okay, 2 divided by 3 करोगे तो मिलेगा 0.67, 13 divided by 15 करेंगे तो you will get 0.866, so that means ये tally हो गया। So we say that option C is the correct answer. Okay, now moving towards the question number 6. A, B, C are mutually exclusive and exhaustive event. So yahan pe condition hoti hai, jab mutually exclusive bolte hain to A union B union C is equal to probability of A plus probability of B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 1। और हमारे क्वेश्चन में हमको वही पूछा है कि ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम यही बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होता है 1। सो वी से दैट ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट आंसर। सो टुडे वी एंड आवर सेशन हियर, आई होप आपको समझ में आया होगा बेस थ्योरम का जो मेन कंसेप्ट था आज का। सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट के बेस थ्योरम के कंसेप्ट को आप लोग फिर से उस वीडियो को देखिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और अगर डाउट लगे देन डेफिनेटली यू कैन रीच मी ऑन 7600828696 पे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, बी सेफ।